हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट में कल दो क्वेश्चन दिए गए थे। पहले उस दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप, कुछ बच्चों का सही भी है, कुछ का गलत है। तो जो लोग गलत हैं वो ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे। एक हमने आपको नियम बताया हुआ था कि अगर जब बेस अलग अलग हो, ठीक है, बेस अलग अलग हो और पावर दोनों का सेम, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए बी और इसके पावर एम हो जाता। लेकिन अगर दोनों का बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता। तो फॉर्मूला तो मेन है, ये चीज समझना है। अब यहाँ आप देखिए कि बेस सेम है कि पावर सेम है। आप यहाँ देखिए पावर दोनों का अलग अलग है, दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर तो जुटेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 + 6, मतलब होगा कि नहीं। अब ये हो जाएगा -5 हो जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 10। -5 का पावर कितना? यहाँ पे आप देखिए सबका जो है ना बेस अलग अलग है, पावर सबका सेम। तो दोनों का मतलब ये क्वेश्चन है, ये इस पर बना और ये वाला पर बना, यानी कि दोनों का बेस अलग अलग है तो पावर सेम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए सबका अलग अलग है तो पावर सेम है, यहाँ तो बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 4 × 5, ठीक है ना। तो पावर क्या होगा बाबू 12, ठीक है, गुणा कर दीजिए 3 × 4 = 12, 12 × 6 = 7 और 7 का पावर कितना 12, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला यदि आप समझते हैं तो क्वेश्चन जो है ना आप आसानी से बना लेंगे, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, 4 × 6 = 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए बेस सबका अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर सेम कर दीजिए, 3 × 12 = 60 का पावर 12। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बना। चलिए अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन 10.1 का में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर दिए। कुछ क्वेश्चन हम छोड़े हुए थे जो आप खुद अपने से बना लीजिए। इसे आप देखिए 4 का 1 नंबर में ना, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो आप जानते हैं माइनस को अगर प्लस हटाने के लिए क्या करते हैं कि ये ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, बस इतना ही जानते हैं। तो 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आएगा, इसके पावर क्या होगा बाबू 2। फिर यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 5 और नीचे क्या होगा 3 और ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा क्योंकि 5 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। और किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो किसके बराबर होता है जी 1 के बराबर। तो जानते हैं, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 होगा और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 होगा। फिर 5 का पावर क्यू करिएगा तो 125 होगा और 3 का पावर क्यू करिएगा तो 27 होगा। और 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई तो उतना ही होगा, अगर कटेगा तो आप कटा दीजिए। कितना बार में कटा देंगे जी, 5 बार में ये कट जाएगा, 25 में 5 से 125 और ये 27 से गुणा कर देंगे तो 27 किया 81 तीन बार में, तो 3 में 5 से गुणा कितना 15, ये आपका आंसर। समझना, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आप देखिए, यहाँ पे माइनस है, माइनस चेंज करेंगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो 5/3 माइनस तो कभी भी ऊपर ही रहे, माइनस यही रहे और इसके पावर क्या हो जाएगा 4 × फिर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ माइनस रहता तो ऊपर जाता, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, तो कैसे रख रहे हैं तो -2/5 और पावर कितना 2, इसका स्क्वायर करिए -5 का पावर 4, क्योंकि ये देखिए दोनों ये भी अलग अलग है ये भी अलग अलग है, इसमें क्या करेंगे 5 का पावर 4, ये हो जाएगा आपका 625। ये माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस है तो ये सम संख्या है तो प्लस में आएगा, 3 का पावर 4 करेंगे कितना होगा बाबू 81 × 2 का पावर 2 कितना 4 और 5 का पावर 2 कितना 25 हो जाएगा। कटेगा कटाइए 25 से ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक है, अब गुणा करिए 25 में 4 से कितना जी 100, नीचे कितना होगा 81, ये आपका आंसर। बोलो हो जाएगा।
इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, इधर आप नोट करने होंगे 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट सेकंड ये हुआ, अब थर्ड तीसरा नंबर में, तीसरा ध्यान दीजिएगा लिखा गया है -2/3, -2/3 का पावर कितना है जी, -3 है गुणे, फिर है यहाँ पे -2/3, -2/3 का पावर कितना तो -2, ये ऊपर है ऐसा ही है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ माइनस हटाएंगे, 3 ऊपर 2 नीचे, 3/2 और माइनस ऊपर हो जाएगा और उसके ऊपर 3, ठीक है, फिर ये माइनस हटाएंगे, 3 ऊपर 2 नीचे, माइनस तो यहाँ रहेगा ही 2 ऊपर, हमको सिर्फ यहाँ वाला माइनस को हटाना है, ये वाला अंदर वाला तो जैसे से में पावर जोड़ देंगे, -3/2 पावर जुटेगा 3 और 2 कितना 5, इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं। यह 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो इतना तक क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन जो है ना हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।